हरिओम, मेरा नाम मकरंद सिंह ओरपे, उपासना केंद्र थाने पश्चिम। आज मैं आपके सामने एक अनुभव बोलने वाला हूँ जो कि बहुत पुराना अनुभव है। 17 मई 2003 की बात है। आपने सबने ही काफ़ी सारे अनुभव लिए हैं, मैंने भी काफ़ी सारे अनुभव किए लिए हुए हैं बापू जी के पास आने के बाद। मैं 2001 में बापू जी के पास आया और उसकी ये 2003 की घटना है। घटना ऐसी है कि 20 मई को मेरे बेटे का जनेऊ था और जनेऊ के दो दिन पहले एक ग्रहमक करके पूजा होती है जिसमें ग्रहों की पूजा की जाती है, वो पूजा प्लान की थी 17 तारीख को, 17 मई 2003 को। और उस वक्त वंदना मेरी बहन नागपुर में रहती है और उसकी बेटी संगीता पेंढारकर, ये दोनों ही मेरे घर आए थे। एक तो मेरा घर नया था, वो घर भी देखना था और मेरे बेटे का जनेऊ था, वो कार्यक्रम भी उसे अटेंड करना था। पूजा होने के बाद में मुझे जो उस दरमियान में थाने में अनिरुद्धा एकेडमी ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक कोर्स हुआ था, उस कोर्स के कुछ पेपर्स लेके मुझे दादर आना था, एडीएम के हेड ऑफिस में उसको सबमिट करना था। तो करीब मैंने 3:30-4 बजे निकलने का प्लान बनाया था तो मेरी भांजी संगीता, उसने पूछा मामा मैं भी आपके साथ में आऊँ क्या? तो मैंने बोला हाँ चलो करके। तो बच्ची थी वो 5वीं में पढ़ रही थी उस वक्त, तो मैंने कहा देखो हम बाइक से जाने वाले हैं, अगर तुम बाइक पर ठीक से बैठ पाओ तो ज़रूर चलना। तो उसने कहा मैं आती हूँ मामा करके। तो मैं और मेरी भांजी हम दोनों करीब 3:30-4 बजे घर से निकले दादर आने के लिए। ऑन द वे मेरे एक दोस्त सुरेश सिंह कुलकर्णी, उनके घर से जो कोर्स के कुछ पेपर्स थे वो पेपर्स मैंने लिए और उनके घर से निकलने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि बाहर जा रहे हो, दादर जा रहे हो तो ये उदी लगा लेना। उसके बाद उन्होंने मुझे बापूजी का प्रसाद भी दिया, वो प्रसाद खा के मैं और संगीता हम दोनों ही बाइक पे बैठ के दादर की तरफ जाने के लिए निकले। और थाने से दादर करीब 25 किलोमीटर के आसपास है और बाइक पे हम लोग दोनों निकले ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से और करीब घाटकोपर के आसपास, घाटकोपर एक जगह है दादर से पहले, उस जगह पे अचानक ही मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मैं बेहोश हो गया था। मेरी भांजी मेरे साथ थी। तो देखिए अभी इतने बड़े एक्सीडेंट में भी एक रिक्शा वाला जो वहाँ पर था वो वहाँ पर अचानक आ पहुँचा और उसने मुझे उठा के रिक्शे में बिठाया, मेरी भांजी को भी रिक्शा में बिठाया और मेरी बाइक उठा के उसने गोदरेज कंपनी है उस जगह पर, उस गोदरेज कंपनी के कंपाउंड के पास पार्किंग एरिया में लगा दी और मुझे वो उठा के सीधा मेरे घर लेके आ गया। और घर में आने के बाद मेरी मदर थी लता वीरा ओरपे, मेरी पत्नी स्नेहल वीरा और मेरी सिस्टर वंदना वीरा जो वहाँ पर उस समय थी, ये सारे मुझे उस परिस्थिति में देख के काफ़ी घबरा गए कि अचानक ये क्या हुआ, ये बेहोश कैसे हो गए। तो और रिक्शे वाले ने मेरे को घर में ला के ज़मीन पर लिटा दिया था, मैं लेटा हुआ था और ये चारों मेरे सब लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। तो बाद में रिक्शा वाले ने बोला कि मेरी पत्नी स्नेहल को बोला कि ज़रा अंदर चलिए, मेरे मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। और वो आगे आगे मेरे घर में ही और मेरी पत्नी स्नेहल उसको फॉलो करते हुए अंदर गई। तो उन्होंने एक्सीडेंट में एक्चुअली क्या हुआ कैसे हुआ ये समझाया मेरी पत्नी को, स्नेहल को, कि ये काफ़ी ज़ोर से जा रहे थे, अचानक उनका बैलेंस गया और ये एक्सीडेंट हुआ और वहाँ बेहोश हो गए थे और मैंने इनको मेरी रिक्शा में बैठा के घर लेके आया हूँ। और ये रही इनकी बाइक की चाबी, किसी को भेज के अपनी बाइक आप वापस ले आइए वहाँ से। और ये सब समझाने के बाद में वो फिर बाहर आ गए, रिक्शा वाला बाहर आया और मेरी पत्नी ने स्नेहल ने उसको फिर से फॉलो किया। बहार आने के बाद में स्नेहल ने उसको 500 रुपये निकाल के दिए। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए, मेरे रिक्शा का जो आज भाड़ा हुआ है 72 रुपये हुआ है, खाली मुझे उतने ही दीजिए। तो उसने खाली 72 रुपये ले लिए और बाकी सारे पैसे वापस लौटाए और वहाँ से वो चला गया। बाद में अभी मेरे घर में जो मदर थी लता वीरा, स्नेहल वीरा और वंदना वीरा, ये लोग अभी सोच रहे थे इसको कैसे कभी हैंडल किया जाए सिचुएशन को। तो उसने
मेरी एक जो और एक बहन है वो थाने में ही रहती है, साधना वीरा देशपांडे, उनके पति श्रीकांत सिंह देशपांडे मेरे जीजा जी, वो थाने में ही सर्विस करते हैं, तो उनको फ़ोन लगाया, वो भी इमीडिएटली वहाँ पर हमारे घर पे आ पहुँचे। और उन्होंने फिर हमारे एक घर के नज़दीक में जो हॉस्पिटल है वहाँ मुझे वो लेके चले गए। लेकिन उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जब मेरे को चेक किया तो उन्हें लगा कि काफ़ी इंटरनल इंजरीज हुई हैं, काफ़ी जख्म है, तो उन्होंने कहा कि आपको सीटी स्कैन करना पड़ेगा, एक्सरेज वगैरह निकालने पड़ेंगे, तो वो ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ नहीं दे पाएंगे, कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से फिर श्रीकांत सिंह ने मुझे कौशल्य हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे निकाले गए, और वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट बड़ा हुआ है तो 24 घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। उस तरह से फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दूसरे दिन डायग्नोसिस पेपर्स निकाले गए तो उसमें काफ़ी सारी इंजरीज बॉडी में हुई थी, मेरी कॉलर बोन के फ्रैक्चर से काफ़ी सारे टुकड़े हो गए थे, दो रिब्स टूट गई थी, और मेरे सिर पे काफ़ी इंजरी हुई थी, तो उस वजह से ब्रेन में काफ़ी सारी स्वेलिंग आ गई थी, और इस स्वेलिंग की वजह से मैं बेहोश था। अभी घर वाले तो काफ़ी परेशान थे कि अब इसके आगे क्या सोच रहे थे। तो बाद में फिर श्रीकांत सिंह देशपांडे ने मेरे डायग्नोसिस के पेपर लेके सुचित दादा जी के पास में आए। सुचित दादा ने वो पेपर्स के ऊपर नज़र डाली और उन्होंने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, मकरन 15 दिन में ठीक हो जाएगा। और ये खबर लेके फिर श्रीकांत सिंह देशपांडे फिर घर पे आए, उन्होंने ये खबर सबको दी। घर में सारे लोग बहुत खुश हो गए कि सुचित दादा ने कहा है 15 दिन में ठीक हो जाएगा, और सब लोग इतने खुश थे कि अभी 15 दिन में ज़रूर ठीक हो जाएगा। अभी तक घर में ऐसा था कि क्या होगा क्या नहीं, बेहोश है, कब ठीक होगा क्या होगा, कुछ नहीं मालूम था किसी को। लेकिन सुचित दादा के जो शब्द थे वो सुनते ही सब लोग बहुत खुश हुए कि अभी 15 दिन में मकरन ठीक हो ही जाएगा। ये इतना विश्वास घर में सबको था कि अभी मकरन ठीक हो जाएगा। अभी धीरे धीरे दिन निकलते गए और दादा के शब्द भी मेरे लिए दवाई का काम कर रहे थे उस वक्त। और 15 दिन में मैं होश में आ गया था, उठ के बैठ सकता था, घर में चल फिर सकता था। फ्रैक्चर जरूर था लेकिन फ्रैक्चर को हील अप होने के लिए टाइम लगता है, और वो भी 2 महीने के अंदर मेरा फ्रैक्चर भी ठीक हो गया। और उसके बाद मैं शिप पे काम करता था, तो मैंने नेक्स्ट असाइनमेंट शिप पे भी ले लिया और 2 महीने में शिप पे काम पे चला गया था। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं होश में आया, उठ कर बैठ सकता था, चल फिर सकता था, तो फिर मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्यों हुआ, और बाकी चीज़ें सोच मैं विचार कर रहा था कि ये सब कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात जो सामने आई मेरे को कि मैं उस समय हाईवे पे था, और हाईवे पे इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है जनरली, देखेंगे कोई भी अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है तो कोई जनरली रुकता नहीं है और कोई किसी को मदद करने के लिए जाता नहीं है। तो ऐसे समय में वो रिक्शा वाला जिसने मेरे को आके मदद की, वो कौन हो सकता है? वो मेरे को तो ऐसे लगता है कि वो मेरा बापू ही होगा, जो इतने बड़े ट्रैफिक में, इतने जोर जोर से ट्रैफिक चल रहा है उस रास्ते पे, वो खड़ा होकर मेरे को आके मदद कर रहा है, मेरी बाइक को उठा के साइड में रख रहा है और मेरे को घाटकोवर से उठा के घर में लेके आ रहा है। मेरे तो पक्का यकीन है कि वो और कोई नहीं, मेरा बापू ही था। और दूसरा विचार किया कि मैं बाइक से गिर पड़ा। जनरली आप देखते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और बाइक वाले एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो पीछे बैठता है आदमी उसको सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं। लेकिन पीछे मेरी जो 5वीं में पढ़ती हुई भांजी बैठी थी, वो उसको आप देखेंगे तो उसके जो इंजरी हुई थी वो एकदम दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा खरोच था। मतलब इतने बड़े हाईवे में जो मैं इतने स्पीड से जा रहा हूँ और पीछे वाला आदमी जो आके गिरता है रास्ते पे हाईवे पे, तो उसकी इंजरीज नेग्लिजिबल थी, बहुत ही कम थी। मतलब खरोच जैसे बच्चे खेलते खेलते गिर पड़ते हैं और इंजरी होती है, उस टाइप की उसको जख्म लगी थी, बहुत ही कम। अगर मैं उसको अभी सोचूं कि अगर मुझे कम लग इंजरी होती और उसको ज़्यादा इंजरी होती या उसका कुछ भला बुरा हो जाता था, तो मेरे ऊपर क्या बीती थी, मेरी बहन के ऊपर जो आई थी फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी उसके ऊपर क्या बीतता था। बहुत बुरा उसका परिणाम हो सकता था हमारे पूरे परिवार के ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस समय भी मुझे पूरा यकीन है कि अगेन मेरे साथ बापू था ही उस वक्त, कि उसने उसको कुछ भी होने नहीं दिया, मेरी भांजी को कुछ भी होने नहीं दिया। बाद में एक और ख्याल आया कि यह रिक्शा वाला तो था बॉम्बे का, और उस समय बॉम्बे की रिक्शा ऐसे थाने में नहीं आ सकती, क्योंकि बॉम्बे का जो इलाका है वो अलग है रिक्शा वाले के रूल के हिसाब से, और थाने के रिक्शा वाले का रूल अलग है, तो थाने के रिक्शा बॉम्बे में या बॉम्बे की रिक्शा थाने में वैसे जा नहीं सकती थी।
लेकिन ये रिक्शा बिना कहीं रुके घाटकोपर से निकल के सीधा थाने में मेरे घर पे आके रुके, तो ये भी कुछ चीज़ मतलब अलग ही थी। ये बापू भी मेरे साथ में थे जो मुझे उस रिक्शा में डाल के घर लेके आए होंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई रिक्शा बॉम्बे की थाने में चली जाए और स्पेसिफिक किसी डेस्टिनेशन पे जाके रुके, इट वाज नॉट पॉसिबल। तो ये पूरी तरह से है कि वो बापू ही था जो मुझे रिक्शा में लेके आया होगा। और एक चीज़ देखने की इसमें मुझे ऐसे नज़र आई कि वो जो रिक्शा वाला था वो रिक्शा वाला मेरे को घर लेके आया, वो कैसे? क्योंकि ना मेरे पास कोई पता था मेरी जेब में, ना मेरी भांजी ने कुछ उसको बताया, कि भांजी तो मेरे घर पे जो संगीता मेरे घर पे आई थी वो तो फर्स्ट टाइम आई थी, पाँचवीं में पढ़ने वाली बच्ची है, नागपुर में रहती है, तो उसको तो थाने का मुंबई का कुछ भी पता नहीं था, रस्ते का कुछ भी मालूम नहीं था। दादर जरूर आया जाया करती थी लेकिन वो रेलवे से आती थी, लेकिन रोड रस्ते का उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि रिक्शे वाले को वो गाइड कर सके कि मुझे घर में लेके आ जाए वो। तो फिर ये रिक्शा वाला मुझे घर लेके कैसे आया? और मेरे पास जो लाइसेंस था वो लाइसेंस भी बदलापुर का था जो घाटकोपर से करीब 45 से 48 किलोमीटर दूर है, वो पता मेरे लाइसेंस में लिखा था, ना उसमें कुछ टेलीफोन नंबर था ना कुछ और था। और जिस घर में मैं रहता था वो घर बंद किए हुए भी 7-8 साल हो चुके थे और उस घर का जो टेलीफोन था वो भी कट चुका था, तो मतलब उस लाइसेंस के पते से भी मुझे घर पहुंचाना उस रिक्शा वाले के लिए संभव नहीं था, लेकिन उस रिक्शा वाले मेरे को घर पे ला के छोड़ा। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा था कि करीब मैं 3:30 बजे, जैसे थोड़े देर पहले बताया आपको, 3:30 बजे के 4:45 बजे के आसपास मैं थाने से निकला, वो पेपर का काम किया और उसके बाद मैं करीब 4:15 बजे मैं थाने छोड़ा। और ये एक्सीडेंट करीब 20-25 मिनट 15 किलोमीटर दूर था, तो 20-25 मिनट तो कम से कम मुझे लगे ही होंगे वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम। और उसके बाद वो एक्सीडेंट होता है और रिक्शा वाला मुझे रिक्शा में बैठा के वापस घर लेके आता है वो 5:15 बजे। मतलब देखा जाए तो इसने उस रिक्शा वाले में कहीं भी टाइम नहीं गवाया, सीधा मुझे उठाया और घर लेके आया। आज हम देखते हैं कि बॉम्बे में इतना क्राउडेड सिटी है कि अगर आप किसी को पता भी दें और उसको बोले कि इस पते पे पहुंच जाओ, घाट को उन्हें पता दें और उसको बोले कि थाने में जाके इस पते पे पहुंच जाओ, तो उसको भी काफ़ी ढूंढना पड़ता है। लेकिन ये रिक्शा वाले ने तो मुझे तो सीधा सीधा उठाया और घर में लेके आया, क्योंकि समय उतना ही था। तो फिर हम देखते हैं कि उस बापू की कृपा को कि कैसे उसने मेरे पीछे था वो और मुझे उसने उठाया, रिक्शे में बैठाया और कम से कम समय मुझे उसने घर पहुंचाया। ये काम और कोई भी नहीं कर सकता है, ये सिर्फ मेरा बापू ही कर सकता है। अभी देखिए मेरे उसने घर पे पहुंचाया, सब कुछ किया। हम लोग सोचते हैं कि इंजुरीज होती हैं अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है, इतना बड़ा इतनी गति से इतनी ज़्यादा स्पीड से अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी पीछे वाला व्हीकल आके हमेशा चांसेस हैं कि कोई भी आके हमें और भी इंजोर कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी बापू ने मेरे को होने नहीं दिया। मैं इस इंजुरी से सेफली मैं घर पहुंच गया। और अगर आप मेरी इंजुरीज को भी देखें तो ब्रेन में मुझे मार लगा, सिर पे मार लगा था, ब्रेन में स्वेलिंग हो गई थी। लेकिन आप देखें अगर ब्रेन में सिर पे मार लगता है और ब्रेन तक स्वेलिंग होती है तो मुँह पर कुछ ना कुछ तो खरोच होना चाहिए, सिर पर ताके लगने चाहिए, सिर पे कुछ कटना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे हाथ का कॉलर बोन की फ्रैक्चर हुई थी। कॉलर बोन फ्रैक्चर होना होता है तो शर्ट तो जरूर फटने चाहिए कंधे के आसपास या कहीं खरोचे लगने चाहिए, लेकिन हाथ पे भी कहीं इंजुरीज नहीं थी, कंधे पे कहीं शर्ट फटी नहीं थी। दो रिप्स टूट गई थी मेरी और दो रिप्स टूटने के बाद भी शर्ट फटी नहीं थी। तो इससे भी यही जान पड़ता है कि जब मैं गिरा होगा तो बापू मेरे साथ ही था, उसने मुझे संभाला होगा और आराम से रिक्शा में बैठा के घर लेके आया। इतना बड़ा जो अनुभव है ना, ये सिर्फ मुझे सद्गुरु, ये मेरे प्यारे बापू ही दे सकते हैं, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। मैंने कुछ जाने की कोशिश की घर में बाद में कि ये जो रिक्शा वाला था वो कैसा दिखता है तो मेरा बापू ही है लेकिन दिखता कैसा था। तो मैंने घर वालों से पूछा कि ये कैसा दिखता था रिक्शा वाला, तो उन्होंने बोला कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, ऊँचा था, लंबा था, मूछें ऊँचे थी, ऐसा तिलक लगाया था उसने सिर पर लाल रंग का। तो खैर वो बापू जैसा लगता था ऐसे मेरी सिस्टर ने बताया, वंदना ने बताया कि वो बापू जैसा ही लगता था। मैंने कहा ठीक है, जरूर बापू ही था वो, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी एक चीज़ देखिए ना, तो वो कैसा भी दिखे, वो बापू जैसा दिखे या बापू जैसा नहीं दिखे, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ ये अनुभव ऐसा है कि इसमें सिर्फ बापू ही ये सब कर सकता है। बिना पते के मुझे घर पहुँचाए, मेरी भांजी को भी उसने कुछ होने नहीं दिया और घर में पहुंचा सेफली।
और बाद में मेरी ट्रीटमेंट हो गई और अच्छी खासी ट्रीटमेंट हुई, मैं 15 दिन में जैसे दादा ने कहा वैसा मैं ठीक भी हो गया। इतना सुंदर अनुभव था ये। अब हम इसमें देखते हैं कि इस अनुभव में हमें क्या जान पड़ता है कि जिंदगी के हर सफ़र में हर पल ये बापू मेरे साथ है। और ये था भी, मैंने अनुभव लिया इसका। घर से मैं निकलने के टाइम पे मेरे जो आप्तजन थे घर पे, मेरी माँ थी, मेरी पत्नी थी या बहन थी, सब ने कहा कि संभाल के जाना, ओके, और जल्दी आ जाना जरा, ये सब मतलब ये उनकी जो कुछ कहने की जो थी चीज़ें थी वो भी प्यारी था उनका, लेकिन वहाँ उनकी लिमिटेशंस थी, वो दरवाजे तक ही थी। बाद में मैं और मेरा बापू हम लोग सफ़र कर रहे थे और वो मेरे साथ उस पल पे था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे सेफली घर लेके आया वो उसने। तो ये चीज़ एक बहुत ही अनुभव लेने वाली चीज़ थी मेरे लिए। ये मेरे प्रारंभ के हिसाब से होने वाले इस बड़े एक्सीडेंट्स को भी खाली इस सदगुरु ने इतने छोटे से इंसिडेंट पे लाके छोड़ दिया और मैं सही सलामत घर आ गया। ये सिर्फ मेरे बापू की कृपा थी मेरे ऊपर, उसका कारण कारुण्य था, उसका प्रेम था अपने बच्चे के ऊपर कि ये सब मैं अनुभव कर सका। आज इतने बड़े बॉम्बे के शहर में इतने सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और ऐसे एक्सीडेंट्स में भी ये मेरे साथ था, इसलिए मैं बच पाया। अभी ये जो एक्सीडेंट मैंने बताया, तो ऐसे ही मैंने ये एक्सीडेंट अपने संस्था में एक बार मुझे बताया गया कि ये अनुभव आप गुरुवार को श्री हरि गुरुग्राम में आके सबके सामने बताना। बापू की कृपा से वो मैं अनुभव सबके सामने अच्छी तरह से बोल पाया उस दिन, और मैं बहुत खुश था कि आज मैं इतने सारे लोगों के सामने मैं अपना अनुभव इतनी अच्छी तरह से बता पाया। ये सारे अनुभव का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद में मैं बाहर आया उस हॉल के, और बाहर आने के बाद मुझे एक ओल्ड कपल आके मिले, एक दादाजी और दादी जी आके मुझे मिले और उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपका अनुभव सुना, लेकिन मुझे एक चीज़ बताना कि ये जो रिक्शा वाला था उसने आपको सीधा हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंचाया, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने भी बहुत उस दिन तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था सबके सामने बोलने के बाद में, तो मैंने उनकी थोड़ा सा वो किया कि उनको जवाब दे दिया कि भाई मैंने दादाजी ऐसा है कि बापू जो भी करते हैं ना वो एकदम परफेक्ट रहता है, तो मैंने ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं, जो करते हैं वो ठीक ही क्या है, उससे मैं मेरे लिए उसी की ज़रूरत थी जो, और उसी हिसाब से बापू ने जो कुछ किया वो ठीक ही था। और मैंने उनको ऐसे बोल के फिर वो भी चले गए अपने रास्ते और मैं भी अपना काम पे चला गया। और बाद में फिर लेट नाइट मैं घर पे आया, थाने में घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद में लेट हो गया था ऑलरेडी, मैं सो गया खाना वाना खा के और दूसरे दिन सुबह उठ के ऑफिस में गया। ऑफिस जाने के बाद में मुझे दोपहर में मेरी वाइफ का फ़ोन आता है, स्नेहल का फ़ोन आता है, और उसने मुझे पूछा कि क्या अगर वो रिक्शे वाला आपको हॉस्पिटल में लेके जाता तो क्या होता। मैंने कहा ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो मुझको, मैं तो एकदम हड़बड़ा गया क्योंकि कभी के दिन एक ही दिन पहले उस दिन जैसे मैंने अनुभव सुनाया तो एक जो दादाजी दादी जी मुझे अनुभव पूछा था कि ये तुमको रिक्शे वाला हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गया, और यही सवाल ठीक वही सवाल मेरी पत्नी ने मुझे पूछा। तो मैंने कहा ये सवाल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, कहते नहीं मैं खाना बना रही थी अचानक ये सवाल आ गया और मैं सोच रही थी उसके बारे में, तो जो सोचा मैं तुमको बताती हूँ। मैंने ठीक है बताओ क्यों नहीं लेके गया। तो उसने बताया कि देखो अगर वो आपको हॉस्पिटल में लेके जाता था तो क्या होता था, तो ये पुलिस केस होती थी, वो हॉस्पिटल आपको हॉस्पिटल में लेता नहीं लेता काफ़ी चीज़ों पे डिपेंडेंट था, अगर लिया तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता था, किस हॉस्पिटल में लेके जाना वो रिक्शा वाला डिसाइड करता, ओके, अगर उसके बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में आपके पास तो कोई ऐसे पेपर्स नहीं थे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि जिससे वो हॉस्पिटल वाले घर में कॉन्टेक्ट कर सके, मेरे पास पुराना लाइसेंस था, पास में फ़ोन नंबर भी नहीं था, और जो मेरी भांजी थी संगीता मेरे साथ में थी वो भी 5वीं पढ़ने वाली लड़की थी, बॉम्बे में फर्स्ट टाइम थी, और उसके पास भी घर का पता नहीं था ना कुछ था। तो फिर आपके लिए हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में आपके लिए तकलीफ ज़्यादा थी, आप बहुत मुश्किल में पड़ जाते क्योंकि हम लोग फिर घर में अकेले थे, कहाँ चले गए, क्या किधर हो किधर नहीं, तो हम लोग को भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था उस वक्त। तो उस समय जो बापू ने किया कि आपको सीधा रिक्शा में बैठा के सीधा घर पे लेके आया, आपके लिए यही ठीक था। मैंने कहा हाँ यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने इतना जोश से मैंने अनुभव सुनाया और मैं खुद ही बहुत खुश हो रहा था कि मैंने इतना अच्छा अनुभव सुनाया सबको और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं थी,
वो जो दादाजी दादी जी कौन थे मुझे मालूम नहीं, वो बापू के रूप में ही मेरे सामने आके मेरे को ये क्वेश्चन पूछ के चले गए, लेकिन इस क्वेश्चन का मैंने ठीक से जवाब नहीं दिया, तो इसका जवाब मुझे मेरी पत्नी के थ्रू, वाइफ के थ्रू, मतलब स्नेहल के थ्रू ये जवाब मेरे को उन्होंने दिया। और मैं समझ गया कि ये चीज़ सच्ची में बहुत बड़ी चीज़ थी, कि जो अनुभव उसने दिया कि मुझे रिक्शा सीधा घर लेके आ गई, अगर ये डायरेक्ट मेरे घर लेके ना जाती, हॉस्पिटल में छोड़ती, तो मेरा क्या हो जाता मुझे ही नहीं मालूम था। तो मतलब इसका एक चीज़ हमें इससे और एक सीखने को मिली, मुझे इससे नहीं मिली, कि हम हमेशा सद्गुरु ने दिए हुए अनुभव को हम अपनी अपने हिसाब से तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारे विचार जो भी हैं उस विचारों के हिसाब से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विचार कितने छोटे हो सकते हैं। सद्गुरु हमको क्या 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 देख के चला जाता है एक अनुभव से, ये हम उसका हिसाब लगाना हमारे लिए तो अशक्य है, असंभव है। इससे हमें यह मालूम चलता है कि जो भी अनुभव हमें मिलता है उसका हिसाब लगाना ही हमारे कैपेसिटी के बाहर है। जो अनुभव लिया है उसके लिए हम सिर्फ यही कह सकते हैं, मैं अंबज्ञ हूँ। हरिओम।